ब्रॉट टू यू बाय एजिलस डायग्नोस्टिक्स। भेल्टेस की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ, इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। अभी आरओ को कोई संज्ञान नहीं लिया गया, सिर्फ पीसीएस के लिए बोले हैं कि उसको स्थगित कर दिया जाता है, और आरओ के लिए बोले उस पर मीटिंग चल समिति बनी है और उस पर मीटिंग चल रही है। जब तक ऑफिशियल नोटिस नहीं आती है तब तक हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे और लड़ते रहेंगे, अपनी मांग को मांगेंगे। जो काउंसिल बनाने की बात कर रहे हैं उसका अर्थ क्या, उसका मतलब इनका आधार क्या है? जब आप बिना काउंसिल के 3 शिफ्ट पेपर कर दिए हैं तो आप सीधा जैसे पीसीएस को 1 शिफ्ट पेपर कराने की बात रख रहे हैं, चलो ठीक है आप लोग धरना पर थे, पीसीएस को 1 शिफ्ट पे और एक दिन में पेपर करवाएंगे, उसी तरह से आरओ और एआरओ को भी कर दे। जब तक चाहते हैं, हम चाहते हैं कि आरओ एआरओ का एग्जाम भी 1 शिफ्ट 1 एग्जाम हो। जब तक नोटिफिकेशन नहीं दे सकते तब तक हम लोग यहीं बने रहेंगे, और जब सीएम ने आदेश दे दिया है कि जो है स्टूडेंट की मांग के अनुरूप जो है सारे डिसीजन लिए जाएं, तो क्यों नहीं लिए गए अभी तक? प्रयागराज में इस वक्त मौजूद उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के बाहर 4 दिन से यहाँ पर आरओ एआरओ और पीसीएसपी के जो अभ्यर्थी हैं वो लगातार यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं और एग्जाम को एक ही शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन ना करने की यहाँ पर मांग कर रहे हैं। आइए इससे हम बातचीत करते हैं, क्योंकि अब इस पूरे मामले पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान ले लिया है। अब देखते हैं कि इनका क्या कुछ कहना है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि अब जो पीसीएस की परीक्षा है ये जो एक शिफ्ट में होगी और आरओ एआरओ जो स्थगित फिलहाल कर दिया। अभी आरओ एआरओ को कोई संज्ञान नहीं लिया गया, सिर्फ पीसीएस के लिए बोले हैं कि उसको स्थगित कर दिया जाता है और आरओ एआरओ के लिए बोले उस पर मीटिंग चल समिति बनी है और उस पर मीटिंग चल रही है। जब तक ऑफिशियल नोटिस नहीं आती है तब तक हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे और लड़ते रहेंगे, अपनी मांग को मांगेंगे सरकार से। और मैं योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद देता हूँ जो कि हमारे जितने साथियों के बातों को संज्ञान में लिए और उन्होंने निर्णय लिया। जिस तरीके से पीसीएस के लिए संज्ञान में लेके कर रहे हैं उसी तरीके से आरओ एआरओ के लिए भी हम लोग को लिखित नोटिस दे देंगे, उसके बाद तभी हम लोग यहाँ। जो काउंसिल बनाने की बात कर रहे हैं उसका अर्थ क्या, उसका मतलब इनका आधार क्या है? जब आप बिना काउंसिल के 3 शिफ्ट पेपर कर दिए हैं तो आप सीधा जैसे पीसीएस को 1 शिफ्ट पेपर कराने की बात रख रहे हैं, चलो ठीक है आप लोग धरना पर थे, पीसीएस को 1 शिफ्ट और एक दिन में पेपर करवाएंगे, उसी तरह से आरओ और एआरओ को भी कर दे। लेकिन सरकार और आयोग की कहीं ना कहीं मंशा, सरकार की मंशा भी यही कि सिर्फ पीसीएस के लिए हम करते हैं, इसलिए यहाँ तो भीड़ जा रहे हैं। आप लोग बोलिए और भी लोग। आरओ एआरओ का जो अभी इस पे कोई डिसीजन नहीं लिया है, समिति बनेगी और पीसीएस के लिए डिसीजन होगा, एक शिफ्ट में होगा, क्या आपका कहना? मतलब यहाँ डटे रहेंगे क्या करेंगे? हम चाहते हैं कि आरओ एआरओ का एग्जाम भी 1 शिफ्ट 1 एग्जाम हो। जब तक नोटिफिकेशन नहीं दे सकते तब तक हम लोग यहीं बने रहेंगे, और जब सीएम ने आदेश दे दिया है कि जो है स्टूडेंट की मांग के अनुरूप जो है सारे डिसीजन लिए जाएं, तो क्यों नहीं लिए गए अभी तक? जब तक अभी नोटिस या लिखित नहीं देंगे कि हम आरओ एआरओ भी 1 शिफ्ट में कराएंगे, हाँ नई डेट नहीं देंगे, तब तक कोई भी यहाँ से हिलने वाला नहीं है। 4 दिन से जो मानसिक उत्पीड़न हुई है, मैं 5वां दिन भी तैयार है हम लोगों के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 4 दिन से मानसिक उत्पीड़न भी इन लोगों का हो रहा है और भी यहाँ पर अभ्यर्थी, उनसे जानते क्या इन लोगों की प्रतिक्रिया है योगी आदित्यनाथ के फैसले के बाद, क्या कहेंगे? प्रतिक्रिया, हम धन्यवाद देना चाहते हैं माननीय योगी जी का जो हमारे सूबे के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उनको ये संज्ञान लेना चाहिए कि जिस तरह उन्होंने पीसीएस की परीक्षा मतलब 1 शिफ्ट 1 शिफ्ट कर दी, ठीक उसी तरह आरओ एआरओ को भी 1 शिफ्ट कराएं, क्योंकि उसमें भी 10 लाख अभ्यर्थी बैठने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने अपने आयोग पे नोटिस दे दी, इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। अभी भी हम सरकार से एक चीज यही चाहते हैं, जैसे उन्होंने यूपी पीसीएस फ्री का नोटिफिकेशन नोटिस हमने वेबसाइट पे दे दिया है, उसी प्रकार से आरओ एआरओ के लिए 1 शिफ्ट में ही 1 शिफ्ट में आरओ एआरओ परीक्षा करवा ले, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए यहाँ पर कहीं ना कहीं सीएम योगी आदित्यनाथ के फैसले से अभ्यर्थी खुश तो नजर आ रहे हैं, लेकिन इनका यहाँ पर ये कहना है कि जिस तरह से पीसीएस के लिए संज्ञान लिया उसी तरह से आरओ एआरओ का भी एग्जाम एक ही पाली में हो और इसके लिए जल्द से जल्द आयोग जो है यहाँ पर लिखित नोटिस यहाँ पर जारी करे, तभी वो यहाँ से हटेंगे। प्रयागराज से यूपी तक के लिए सरिता।